संयम का अर्थ है शक्तियों की प्रवाह को निरर्थक और हानिकारक दिशा से रोककर सार्थक और कल्याणकारी दिशा में लगाना। इस स्तर के संयम को सिद्ध करने के लिए जितने भी प्रयास किए जाएंगे वे हमारे व्यक्तित्व को उत्कृष्ट और प्रखर बनाते हुए चले जाएंगे। यदि हम जीवन में समय संयम, विचार संयम, इंद्रिय संयम और अर्थ संयम का अभ्यास करते रहे तो सफलता सहज ही हमारे कदम चूमेगी। मनुष्य के पास ईश्वर प्रदत्त पूंजी समय है। समय संसार की सबसे मूल्यवान संपदा है। यह वह मूल्यवान संपत्ति है जिसकी कीमत पर संसार की कोई भी सफलता प्राप्त की जा सकती है। समय का सदुपयोग करने वाले व्यक्ति कभी भी असफल नहीं हो सकते। कहते हैं कि परिश्रम से ही सफलता मिलती है, किंतु परिश्रम का अर्थ भी समय का सदुपयोग ही है। समय पालन ईश्वरीय नियमों में सबसे प्रमुख और महत्वपूर्ण नियम है। समय के सच्चे पुजारी एक क्षण भी नष्ट नहीं होने देते। अपने एक एक क्षण को हीरे मोतियों की तरह तौलने लायक बनाकर उसका सदुपयोग करते हैं और सफल और श्रेयाधिकारी महामानव बनते हैं। समय की कमी का रोना कभी मत रो। संसार में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसे विधाता ने 24 घंटे में एक पल भी कम दिया हो। जिसे तुम समय की कमी कहते हो वह समय की कमी नहीं है, वह तुम्हारी अव्यवस्था है। इसी कारण समय अनुपयोगी कार्यों में लग जाता है, उपयोगी कार्यों के लिए रह ही नहीं पाता। जो समय का सदुपयोग नहीं कर पाते वे जीवन जीते नहीं बल्कि जीवन काटते हैं, नष्ट करते हैं। कोई कितने वर्ष जिया यह जीवन नहीं है। किसने कितने समय का सदुपयोग किया वही जीवन की लंबाई है। सबके जीवन में एक परिवर्तनकारी समय आया करता है, किंतु मनुष्य उसके आगमन से अनभिज्ञ रहता है। इसलिए हर बुद्धिमान मनुष्य हर क्षण को बहुमूल्य समझकर व्यर्थ नहीं जाने देता। आलसी अथवा दीर्घसूत्री व्यक्ति बहुधा किसी उपयुक्त अवसर की प्रतीक्षा करते करते ही सारी जिंदगी खो देता है और उन्हें कभी भी उपयुक्त अवसर नहीं मिल पाता। हर मनुष्य को समय के छोटे से छोटे क्षण को महत्व और मूल्य समझना चाहिए। जीवन में कुछ करने की इच्छा रखने वाले को चाहिए कि वे अपने किसी भी काम को भूलकर भी कल पर ना टाले। जो आज किया जाना चाहिए उसे आज ही करे। जीवन में सफलता के लिए जहाँ परिश्रम एवं पुरुषार्थ की अनिवार्य आवश्यकता है, वहाँ समय का सदुपयोग और समय का सामंजस्य उससे भी अधिक आवश्यक है। श्रम तभी संपत्ति बनता है जब वो समय में संयोजित कर दिया जाता है, और समय तभी संपदा के रूप में संपन्नता एवं सफलता ला सकता है जब उसका श्रम के साथ सदुपयोग किया जाता है। समय के प्रतिफल उसका सच्चा लाभ मिलता रहता है। जो अपनी दिनचर्या बना लेते हैं और नियमित रूप से निरंतर उसी क्रम पर आरूढ़ रहने का संकल्प लेकर चलते हैं, नियत समय पर और नियम के अनुसार अंतर मन को उस समय उसी काम करने की आदत भी बना लेते हैं, तो उनका मन भी उसी अनुसार काम करने लगता है। नियत समय पर कुछ काम करने का अभ्यास डाल लिया जाए तो उस समय पर वैसे ही करने की इच्छा होगी, मन भी लगेगा और काम ठीक तरह से पूरा भी होगा। अनियमितता और सुव्यवस्था से भरी दिनचर्या को, जो कि दूरगामी चिंतन के आधार पर एवं व्यवहारिक हो, शेख चिल्ली जैसी कपोल कल्पना न हो, बनाकर कोई भी व्यक्ति समय का सदुपयोग कर सकता है और अभीष्ट दिशा में आश्चर्यजनक प्रगति कर सकता है। जीवन का अर्थ है समय। जो जीवन से अधिक प्यार करते हो
वे व्यर्थ में एक क्षण भी ना गवाए। मानवीय प्रगति के मार्ग में अत्यंत छोटी किंतु अत्यंत भयानक बाधा है अनियमितता की आदत। सुनियोजित दिनचर्या बना सकने वाले एक के बाद दूसरी सीढ़ी पर चढ़ते हुए वहां पहुंचते हैं जहां साथियों के साथ तुलना की जाने पर प्रतीत होता है कि कदाचित किसी देव मानव ने ही ऐसा चमत्कार प्रस्तुत किया होगा। पर वास्तविकता केवल इतनी होती है कि प्रगतिशील मनुष्य ने नियमितता अपनाई, अपने समय, श्रम और चिंतन को एक दिशा विशेष में संकल्प पूर्वक नियोजित रखा। इसके विपरीत दुर्भाग्य का पश्चाताप उन्हें सहन करना पड़ता है जो लंबी योजना बनाकर उस पर निश्चय पूर्वक चलते रहना तो दूर अपनी दिनचर्या बनाने की आवश्यकता भी नहीं समझते। बहुमूल्य समय को ऐसे ही आलस्य प्रमाद की अस्त व्यस्तता में गवाते रहते हैं।